स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास दसवीं का सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, ठीक है, उसका क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। और जो आपका वीकली टेस्ट होगा, जो वीकली टेस्ट है आपका, वीकली टेस्ट अच्छा से जाए, उसी से रिलेटेड VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है। तो किस श्रेणी के जीवों का है ये, तो काला हिरण। तो काला हिरण विलुप्त प्रजाति के, दुर्लभ प्रजाति के, स्थानिक प्रजाति के और विलुप्त प्रजातियां, ठीक है, तो लुप्त प्रजातियां, ठीक है। तो बताते चले कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि काला हिरण जो है वो लुप्त प्रजातियां की श्रेणी में आता है, क्योंकि धीरे 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 वो लुप्त होता जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है कि 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। तो 1952 में भारत ने किस जीव के प्रजाति को विलुप्त कर चुका है। तो बताते चलें कि तेंदुआ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, तेंदुआ, गंगा नदी की डॉल्फिन, काला हिरण और एशियाई चीता। एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर चुका है एशियाई चीता, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, तो क्या आता है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो कहा जाता है, ऑप्शन देखिए कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गिक वन। तो ये अवर्गिक वन होगा, क्या होगा, अवर्गिक वन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वन का संरक्षण करना, वन का बचा, वन को बचाना था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का उदाहरण है, तो अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन, जो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है, वो पूछ रहा है, इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो मशीन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि हमारे देश में जंगलों वनों के लिए कितना वंचित है। तो हमारे देश में जंगल जो है वनों के लिए कितना वंचित है, तो ये जो वंचित है वो लगभग 33%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे आइए, आगे दिया हुआ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण जो है, इसमें से कौन सा होगा, तो जैविक संसाधन का एग्जाम्पल जो सेट कर रहा है वहाँ पे, वो पशु है, क्या है, पशु, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रिय है, अचक्रिय, तो कोयला जो है वो अचक्रिय है, चक्कर फिर से वो कोयला खत्म, जलाएंगे इसको फिर से कोयला प्राप्त, कोयला बनने में बहुत समय लगेगा, इसलिए कोयला अचक्रिय संसाधन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न लॉन्ग वाले प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते। तो कहता है कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दें। तो जैव संसाधन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैव जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीव व्याप्त हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति प्रजाति, वनस्पति जीव, प्राण जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ETC, ये सभी क्या कहलाएंगे,
ये सभी क्या कहलाएंगे, तो यहाँ पे जैव संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। अजैव संसाधन किसको कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातुएं से बनी वस्तुएं ETC, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो वन्य और वन्य जीव संरक्षण मतलब वन और वन्य जीव को बचाने में सहयोगी रीति रिवाज के अनुसार, जो हमारे रीति रिवाज चल रहा है उसके अनुसार एक आपको निबंध लिखना है, ठीक है, निबंध लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए कई सही नीतियां अपनाई गई है, ऐसे कई गैर सरकारी संगठन भी हैं जो वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। सन 1960 से 1970 दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों में मांग पर भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लाया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के कई प्रावधान थे। केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया। विभिन्न समुदायों खास करके आदिवासी समूहों जीवन यापन के लिए पूरी तरह से वन और वन्य जीव पर डिपेंडेड हैं, निर्भर हैं, वन्य जीव के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस पर इसके ऊपर एक नोट लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखे हैं आपके बोर्ड वीकली टेस्ट और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसका एक और पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं, जय हिंद।